हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज डेट है 27 जून, और आज संडे है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15। तो बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे एक संडे राइड के लिए। एक छोटी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा दूर है, मगर इतना भी दूर नहीं कि एक दिन में ना हो पाए। तो बस यहाँ से जाएंगे। अभी कहाँ जाना है वो भी डिसाइड नहीं है। एरिया डिसाइड है, मगर लोकेशन डिसाइड नहीं है कि उस बाजू जाना है, मगर अब देखते हैं कहाँ जाना है और आगे जाके डिसाइड करेंगे। और आज हमारे साथ होंगे शिवम और पार्थ। तेजस और देवेंद्र नहीं आ पाएंगे, तो हम तीन लोग हैं और 2 बाइक होगी। तो बस आज मैंने पहना है पहली बार अपना राइडिंग जैकेट, और आज पहली बार पहन के राइड करने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करते जाऊँगा। और बस सब पैकिंग तो हो चुकी है, जो सामान मुझे लेना था वो सब मैंने ले लिया है, अपना टैंक बैग और बैकपैक और एक हेलमेट अपना। तो बस यहाँ से निकलेंगे। और गर्मी तो लग रही है अभी भी, मगर बाहर आज लगता है मौसम शायद से थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि बादल तो दिख रहे हैं मगर बारिश कल से नहीं हो रही है। अब मालूम नहीं बारिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो देखते हैं। बारिश ना मिले तो ही अच्छा है, वैसे तो हमने रेनकोट ले ही लिया है। तो बस यहाँ से आगे मिलता हूँ। मैं जाऊँ? हाँ तो बस अभी हम निकल चुके हैं। मैंने घर से थोड़ा व्लॉग नहीं किया, मैंने थोड़ी बाइक चला ली, और मेरे पीछे शिवम बैठा है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सरोदी, जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है, तो वहाँ से वो ज्वाइन कर लेगा हमको। और इसी रूट से हमको जाना है। और यहाँ से हम लास्ट टाइम जब गए थे मांडवा वाटरफॉल, तब यही रूट से गए थे नाना पोंडा से। तो रूट तो अच्छा है यहाँ तक, आगे का तो मालूम नहीं, अब देखेंगे आगे का तो क्या होता है। एंड कि बहुत टाइम बाद राइडिंग हो रही है, और ये हमारा टैंक बैग भी लग चुका है अच्छी तरह से। इसका तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी व्यू देखो पूरा एकदम। ये आ चुका है सरोजी, यहाँ से आएगा फ्रेंड और ज्वाइन कर लेगा। तो फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बोला कि आगे भी एक रास्ता निकलता है डायरेक्ट, थोड़ा छोटा पड़ता है क्योंकि यहाँ से आके वापस वहाँ जाना, तो वो अंदर से ही डायरेक्ट वहाँ निकल जाएगा। तो बस वहीं पे जा रहे हैं, उसने बोला है कि आगे मिलते हैं। और ये बस ये रहा फ्रेंड CBR पे पार्थ। तो बस लोकेशन तो डिसाइड हो चुकी है, यहाँ से 61 किलोमीटर दिखा रहा है और 1 आवर 31 मिनट दिखा रहा है। तो बस अभी निकलते हैं, मोटी कोरवल जा रहे हैं। जगह तो मैंने लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था कि जाएंगे मगर नहीं जा पाए। We'll be right back.
अभी पेट्रोल डलवाने आए हैं। तो बस पेट्रोल डलवा दिया है और अभी हम रोहिणा में हैं एंड यहाँ से 52 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा पवन लगता है, तब बाकी रुकते हैं तब तो पूरा गर्मी गर्मी हो जाती है। और यहाँ पे बारिश हुई है लगता है रात को बहुत सारी, क्योंकि रोड्स गीले हैं। हमारे यहाँ तो कल से बारिश नहीं हुई है। एंड बस अभी हम नाना पोंडा पहुँचने वाले हैं और सूरज देवता भी बाहर आ चुके हैं। जो मैप में दिखा रहा है उस रास्ते से हम जा रहे हैं। अब मैंने एक बार पूछ लिया अगर पार्थ को मालूम हो रास्ता, मगर नहीं मालूम है। तो बस यहाँ से ही निकलते हैं अब, वास्ता 49 धर्मपुर 15। मालूम नहीं कौन से रास्ते से ले जाएगा गूगल मैप। और ग्रीनरी दिखना तो स्टार्ट हो चुका है, आजू बाजू सब ग्रीन ग्रीन। मानसून में बहुत बढ़िया रहता है ये पूरा, सब गांव है तो इसीलिए ग्रीनरी ज़्यादा है यहाँ पे। एंड अभी भी 37 किलोमीटर बाकी है और एक घंटा दिखा रहा है, मतलब मान लो रास्ता कैसा होगा देख लो एक बार, मैप में दिखा रहा है ऐसा तो अब मालूम नहीं कैसे रास्ते होंगे। पुल है पार नदी नीचे और ये ऊपर ब्रिज, क्या व्यू है। वो पूरा माउंटेन्स दिख रहा है और यहाँ पे भी सब ग्रीनरी ग्रीनरी है। एकदम छोटा सा ब्रिज है मगर नया ही बना लग रहा है। और ये यहाँ पे मालूम नहीं चेक पोस्ट जैसा बिठा रखा था, क्या था कुछ पता नहीं है। राइट दिखा रहा है, हाँ अभी राइट जाएंगे। गूगल मैप से आने का यही एक नुकसान है, कोई भी छोटे बड़े कोई भी रास्ते से ले जाता है। अभी ये देखो कितना छोटा रास्ता है और ये मुर्गिया, उसको बचाने के चक्कर में हम चले जाते हैं। ये एकदम से पुल आ गया बीच में और ये देखो रास्ता भी कैसा है। Uh-huh.
मालूम नहीं कहाँ हम घुस गए, कौन से रास्ते पे और कहाँ से ले जा रहा है ये। और ये ग्रीनरी देखो, पूरा ग्रीन ग्रीन इस तरफ। आगे भी थोड़ा गया मगर मैं कैमरा ऑन नहीं रखा था। ये देखो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हा हा हा, क्या व्यू है। एक बार बस ऐसे देखते ही रहे ऐसा लग रहा है। एंड बस अभी आगे से राइट लेना है। व्यू तो बहुत बढ़िया है, ये जो रोड है उसका, मगर रोड बहुत छोटी है। और ये देखो रास्ता कैसा जा रहा है, मज़ा आता है ऐसे रास्ते पे तो। पार्थ नहीं दिखाई दे रहा है। पार्थ का है, पार्थ नहीं देखा था। पीटो आयो ना, हाँ ये जो ग्रीनरी है क्या दिख रहा है ये। बहुत बढ़िया व्यू है सब, एक नंबर एक नंबर। देखो क्या व्यू है पूरा। ये पहाड़, वहां पे नदी दिखाई दे रही है, वहां पे रिवर दिख रही है। ये पूरा एक नंबर भाई। तो मतलब हम हाइट पे तो आ ही चुके हैं। ये पूरा ताऊ भी रहे, ये पूरा व्यू देखो एक बार। और ये बस सिर्फ आप ये व्यू देखो, अभी तो बाकी है 20 किलोमीटर, मगर ये व्यू दिखा इसलिए रुक गए थोड़ी देर। एकदम पीसफुल है, कोई है नहीं, एकदम शांति है। बाजू में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है पूरा। और ये हमारी बाइक,